जय गुरु जी। गुरु जी की संगत को शत शत प्रणाम। जैसे अभी अंकल ने कहा, गुरु जी के पास सब कुछ है, हमारी शायद झोलियां छोटी हैं। आप अगर आज मुझे देख रहे हैं तो पिछले 2 सालों में 3 जिंदगियां। आज अगर यहां खड़ा हूं, गुरु जी की मेहर, संगत और सत्संग की बदौलत, और इस लंगर ने जो खड़ा किया है। इस साल मैं आपको सबसे पहले एक सत्संग बताता हूं जो इस साल 5 मार्च को मेरे साथ हुआ। मेरी कुछ तबीयत खराब थी, डॉक्टर को दिखाने गए तो चेस्ट में पेन, डॉक्टर ने देखा, थोड़े नॉर्मल दवाई दे दी जो फैमिली डॉक्टर थे। मंदिर पहुंचे, मंदिर में गुरु महाराज ने 1 नहीं 2 समोसे प्रसाद खिलाए। सोमवार का दिन था, शायद क्या क्योरिंग की ये गुरु महाराज को मालूम था। शाम तक तबीयत ज्यादा खराब हुई, डॉक्टर कहने लगे आप मेदांता ले जाइए। घर से मेदांता पहुंचने में तकरीबन 45 मिनट लगते हैं मेरे, और यकीन मानिए गुरुजी ने ऐसा रास्ता क्लियर किया 22 मिनट के अंदर मेदांता हॉस्पिटल। और आपने कई बार सुना होगा, देखा होगा कि इमरजेंसी से ऑपरेशन थिएटर तक पहुंचने में 10-15 मिनट लग जाते हैं। 4.5 मिनट में आई वॉज ऑन द ऑपरेशन टेबल। डॉक्टर्स ने चेक किया और कहने लगे 2 आर्टरीज ब्लॉक हैं, एक 99%, दूसरी 80%। एक सेकंड के लिए घबराहट हुई कि गुरुजी क्या हुआ, बच्चे छोटे हैं कैसे होगा। दूसरे ही क्षण ये लगता है गुरुजी पीछे खड़े ने, ओ क्यों घबराना मैं है ना, एंड बिलीव मी, जैसे मेरे पीछे खड़े थे गुरुजी। डॉक्टर ने प्रोसेस शुरू किया, जिस डॉक्टर से कराना चाहते थे वो अवेलेबल नहीं था, एक ऐसा डॉक्टर जिसको ज्यादा जानते नहीं थे उसने किया, लेकिन कॉन्फिडेंस ये था कि गुरु जी साथ हैं, गुरु मेरा पीछे है मेरे। अब डॉक्टर ऑपरेट कर रहा है तो मैं साइड में मॉनिटर्स पे देख रहा हूं कि ऐसे लग रहा है जैसे कोई मकड़ी के पैर हैं, बट दोज वर माई आर्टरीज। कुछ टाइम के बाद मुझे ऐसा लगता है मैं सिंक कर रहा हूं, मुझे नींद आ गई है। और तकरीबन कोई 3-4 मिनट के बाद फिर वैसे ही देखता हूं कि ये तो मैं बहुत जैसे सो के उठा था, लेकिन लगता है ये कह रहे 3 मिनट ही निकले हैं। एनीवे उसने स्टेंट्स डाले, 2 बाहर आए। अब जब बाहर आए तो मैं देखता हूं कि स्टेबलाइज करने के लिए आईसीयू में भेजने से पहले उन्होंने जैसे एक रूम में रखा, तो मेरे राइट साइड पे 2 पेशेंट और हैं और लेफ्ट साइड पे एक और है। तो मैंने ऐसी वार्ड बॉय, कौन है ये, कहते ये अभी लाइन में लगे हैं, इनके भी अभी ऑपरेशन होने हैं। सो दैट वॉज अ टर्निंग पॉइंट कि गुरुजी ने 4.5 मिनट में ऑपरेशन टेबल पे, जब तक कि मेरी आंटी और मेरी बेटी अभी फॉर्म नहीं भर पाई पूरे, ये गुरुजी ने कराया। और यही नहीं, आईसीयू में जब मुझे शिफ्ट किया तो सुबह जब डॉक्टर देखने आता है मुझे, वो हार्ट की अल्ट्रासाउंड करता है, तो मैं पूछ रहा हूं क्या करे, नहीं मैं अल्ट्रासाउंड कर रहा हूं, एक बारी करके हटा दोबारा फिर करता है। तो मैं क्यूरियोसिटी से उसको पूछता हूं कि डॉक्टर साहब ये क्या कर रहे हैं, कहते अल्ट्रासाउंड हार्ट की कर रहा हूं, देख रहा हूं हार्ट कितना डैमेज होता है। तो मैंने कहा नॉर्मली जैसे मेरी कंडीशन थी तो कितना डैमेज होगा, कहते 40-70% तक हार्ट डैमेज होता है। तो मैंने कहा मेरा कितना डैमेज है, कहते 20%। तो ये कौन कर सकता है, गुरु जी के अलावा और कोई नहीं। और यही नहीं, जिस मंडे को 5 तारीख को मैं हॉस्पिटल गया, उससे पहले दिन संडे को मुझे रात को एक ड्रीम आता है कि मैं बड़े मंदिर में हूं और कोई अलका आंटी हैं जो मुझे ढूंढ रही हैं। तो उसके बाद वो मिलते हैं, मुझे कोई शक्ल आंटी की याद नहीं, कुछ नहीं। अगले दिन संडे को मॉर्निंग में हम कहीं ध्यान पे जाते हैं तो उनसे पूछते हैं, काफी टाइम से वो आंटी मंदिर जा रहे थे, तो मैंने कहा आप अलका आंटी को जानते हैं, कहते अंकल होंगी, नाम तो सुना हुआ है पर ऐसे याद नहीं आ रहा, भूल जाते हैं। और मंडे रात को जब मैं आईसीयू में हूं, रात को 3 बजे जो अटेंडिंग डॉक्टर है मेरी, एक यंग लेडी हाथ में चूड़ा पहना हुआ डॉक्टर अलका,
तो ये गुरु जी ने एक दिन पहला डेढ़ दिन पहला मुझे दिखा दिया कि तेरे वास्ते देख मैं हाँ। और यही नहीं, हफ्ते बाद मैं जब डॉक्टर को रिव्यू के लिए जाता हूं तो मेरा डॉक्टर मुझे देखते ही कहता है, अरे आपके पीछे तो कोई है यार, आपको तो किसी ने बचाया है। मैंने कहा हाँ मेरे गुरु महाराज हैं। कहते वाकई ही उन्होंने ही आपको बचाया है। तब वो मुझे बताता है कि जब वो मेरी एंजियोप्लास्टी कर रहा था उस स्टेज के ऊपर मेरी हार्ट बीट 20 हो गई और ही वॉज नॉट एबल टू परफॉर्म एंजियोप्लास्टी, स्टेंट्स नहीं लगाता था। तो कहता मुझे पहला आपको पेसमेकर लगाने पड़े, उसके बाद मैंने स्टेंट्स डाले और बाद में पेसमेकर निकाला। और ये फिर मुझे गुरुजी दिखाते हैं कि देख, और बाद में पेसमेकर निकाला। और ये फिर मुझे गुरुजी दिखाते हैं कि देख जिसले तू सिंक कर रहा सी नींद भी सीगा सोया। सो आई से गुरुजी डजंट चेंज डेस्टिनीज, ही रीराइट्स डेस्टिनीज। इसके 6 महीने बाद जब मैं दोबारा चेक कराने गुरुजी अपना डॉक्टर के पास गया, उससे पहले मंदिर जाना, वही लंगर करना, और गुरुजी ने फिर अपनी सेवा में जैसे चरण में ले लिया, तो डॉक्टर देख के कहता मैं बड़ा खुश हूं, यू आर एन एक्सीलेंट पेशेंट। मैंने कहा अच्छा। कहते हैं आपकी हार्ट फंक्शनिंग जो है दैट इज इम्प्रूव्ड बाय 10%, सो दिस इज वंडरफुल, कीप इट अप। सो दैट वॉज आफ्टर 6 मंथ्स। तो मैं उसको हल्का सा, मेरे आंटी पूछते हैं कि डॉक्टर साहब आज एक बर्गर खा लें, तो मेरी शक्ल देखे नहीं नहीं आप पिज्जा विज्जा खा लिया करो, इनको खाने दिया करो, आप गार्लिक ब्रेड खा लिया करो। तो मैंने कहा डॉक्टर साहब मैं ना एक समोसा खाता हूँ। कहते ओ नहीं नहीं आपके लिए तो जहर है समोसा फ्राइड और ये घी वगैरह। तो मैंने कहा नहीं मैं एक खाता हूँ हमारे मंदिर में है। कहते नहीं वो तो फ्रेश ऑयल में होने, तो मेरी आंटी बोली नहीं वो देसी घी में बनता है। तो कहते एक ही बार ही बनता है वो देसी घी, फिर फेंक देते हैं। हाँ जी हाँ जी, मैंने यूं कर दिया। मैंने अपनी आंटी को इशारा किया, मैंने कहा उठो, अगर इसको बता दिया डॉक्टर को कि हफ्ते में 2 बारी 3 बारी तो गुरु जी देसी घी का हलवा और चपाती प्रसाद और जो लंगर हम खाते हैं और एक नहीं 4-4 समोसे खाते हैं, तो ये शायद 4थी मंजिल से छलांग मार लेगा। तो आई जस्ट वॉक्ड अवे फ्रॉम देयर। इससे पहले मुझे जो जिंदगी गुरु जी ने दी उसमें भी यही, एक सिंपल बुखार। उससे पहला अपने मंदिर बुलाया जलंधर में, किसी अंकल के थ्रू लेके गए, 2 दिन सत्संग सुनवाए, नॉर्मल बुखार, वॉमिटिंग, लूज मोशंस, डॉक्टर से कंट्रोल ना हो, फैमिली डॉक्टर मेरा आईसीयू में, दूसरे डॉक्टर को दिखाया, करते रहे दवाइयां, 9 दिन कुछ नहीं हुआ, मैक्स में एडमिट करा दिया। और वहां भी वो गुरुजी की फोटो जैसे कमरे में लगाई, अब वो एडमिनिस्टर कर रहे हैं दोनों बाजुओं के अंदर इंट्रावेनस से एंटीबायोटिक्स, और हाल बुरा, ना नींद आए ना कुछ, सामने गुरुजी की फोटो लगी। तो एक अटेंडिंग डॉक्टर वहां भी कमरे में आई, ठीक हो जाएंगे आप रात को। मैंने कहा हाँ ये हैं, सामने गुरुजी की फोटो की तरफ इशारा करके, तो एकदम देख के बोलती है ये एम्पायर स्टेट वाले गुरुजी। मैंने कहा आप जानते हैं? कहते हाँ मैं एक बारी गई थी, मेरी कजन ले गई थी, उसके बाद महाशिवरात्रि पे गई थी और यही फोटो मिली और कुछ नहीं चढ़ता वहां। तो दैट वॉज अगेन अ सिक्योर्ड फीलिंग कि गुरुजी यहां भी साथ हैं। 9 दिन और रखा, 18 दिन में 18 किलो वेट लूज कराया, सारे टेस्ट कराए, एक सिर्फ जो है बोन मैरो टेस्ट रह गया था वो नहीं हुआ, डॉक्टर्स को मना कर दिया। और सिर्फ एक दोस्त आए, कहते ये तो जो है ड्रग इंड्यूस्ड फीवर है, दवाइयां बंद करो ठीक हो जाएंगे। और वही हुआ, 9 दिन अस्पताल में रख के गुरुजी ने भेजे। और सुनने को क्या मिलता है सत्संग में, क्यूरियोसिटी थी कि गुरुजी क्या हुआ। अब वो कहने लगे कि गुरुजी ने ना शायद तेरे 9 ग्रह काट दिए हैं, किसी से मुझे मैसेज मिलता है कि तेरे 9 ग्रह काटे हैं। उस दौरान मेरी जब इन्होंने क्लोनोस्कोपी की, तो डॉक्टर का कहना था कि क्लोनोस्कोपी जब हम करते हैं तो एक एब्सेस बन जाता है आपके कोलन के अंदर, तो कई बार 55-60 ईयर्स की एज के अंदर बनता है, विच कुड बी कैंसर जीनियस। और मुझे कहता प्लीज डोंट रीड बिटवीन द लाइंस, बड़ी स्पेसिफिकली डोंट रीड बिटवीन द लाइंस, आपको ऐसा कुछ नहीं है। अब फिर भी एक क्यूरियोसिटी बीइंग अ ह्यूमन बीइंग की, गुरुजी ठीक तो हो गया पर क्या था। और फिर वही संगत और सत्संग ने ठीक किया। एक सत्संग में गए, माथा टेका, आज्ञा लेके जब आने लगे तो एक आंटी कहती है अंकल साडे गुरु जी ना कैंसर नु बुखार बदल देंदे सीगे। सो और गुरु क्या दे सकता है। इससे पहला एक और सत्संग जो पहली जिंदगी दी,
120 किलोमीटर की स्पीड पे गाड़ी का एक्सीडेंट हो, हेड ऑन एक्सीडेंट, एक गाय आ जाए और यकीन मानिए एक स्क्रैच ना आए दोनों आगे बैठे हुए और मेरी आंटी को जो पीछे थे, एक स्क्रैच नहीं। ये गुरुजी ने जिंदगियां दी हैं। शायद हम लोगों की झोलियां छोटी हैं, वही ऐसे हम सब ये मानते हैं इस बात को कि अपना कनेक्शन गुरुजी से बनाएं। लेट अस सरेंडर टू हेम, उनके पास सब कुछ है। लेट्स लीव द प्रायोरिटी एंड टाइम टू हिम। जय गुरुजी।